कोरोना महामारी के इस काल में क्या आम क्या खास, हर कोई परेशान है। अब तो भगवान को भी कोरोना के जद में आने से बचाने की तैयारी की जा रही है। तभी तो महाबली हनुमान जी को पूर्णिया के कस्बा के चौक पर स्थित प्रतिमा को मास्क लगाकर बचाने की कोशिश की गई है। जी हां, ये तस्वीर पूर्णिया के कस्बा की है जहां हनुमान जी को श्रद्धालुओं ने मास्क लगा दिया है। अब भगवान को तो कोरोना तब तक नहीं छुएगा जब तक उनके श्रद्धालु उनको छूकर संक्रमित न कर दें। अभी मंदिरों में पूजा पाठ बंद है तो फिर भगवान के संक्रमित होने का खतरा भी कम है। पर श्रद्धालु कहते हैं कि बजरंगबली को मास्क लगाकर आम श्रद्धालुओं को मैसेज दिया गया है कि मास्क कितना जरूरी है, इसलिए वे भी मास्क पहने। कस्बा में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा था, इसीलिए वजह में हम हमारा धर्म बचेगा तो भगवान तो भगवान है, उसको उनको मास्क की क्या जरूरत है? वही हम लोग का बचाने वाला है, वही बचाने वाला है, उसको पहना के उसको सेफ रखेंगे तो हम लोग सेफ है। ऐसा ख्याल आपके मन में कैसे आया? उसका भक्त है तो होगा नहीं यार। कौन सा ऐसे कस्बा महावीर चौक से जो महावीर मंदिर है, बहुत अच्छी प्राचीन मंदिर है, यहाँ के देखे कि श्रद्धालुओं के द्वारा जो प्रतिमा स्थापित है उस पर मास्क पहना के आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, जो काफ़ी काबिले तारीफ है कि आम लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है यहाँ के कमेटी के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा, कि आप भी ये वैश्विक आपदा की जो घड़ी है, ये महामारी, इससे बचाव के लिए जो सरकार घोषणा कर चुकी है और लोगों में जागरूकता अभियान चला दिया जा चुका है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए भगवान जी को भी पहना दिया गया ताकि लोग उसको देख के आकर्षित हो और पहन सकें। बजरंगबली को मास्क पहनाकर श्रद्धालुओं ने मकसद साफ कर दिया है, इसलिए लोगों को मास्क लगाना चाहिए। पूर्णिया से खुलासा के लिए जयप्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।